इस धारावाहिक के सभी पात्र घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से बाकी ख्याल मत रख, कदमों पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख, जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख, हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। देर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल, चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से किसी का फोन आने से परेशान हो गई थी तुम? नहीं, कुछ कुछ भी तो नहीं, वो ऐसे रॉन्ग नंबर था। अब अगर ये अपनी मदद नहीं करना चाहता तो तुम अपनी इसकी मदद कर दो। बड़े ताज्जुब की बात ये है कि जो स्पेशल असाइनमेंट हमें दिया गया है क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, शायद उसकी भनक इसको लग गई तभी ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा। हेलो पापा। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अगर तू ठीक है तो हम भी ठीक है। बेटा, माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी से होती है ना। पापा, आज हमारे कंपनी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है ना। हाँ बेटा, वही जा रहा हूँ। तो हमेशा मेरे साथ होती थी, आज अकेला हूँ। आई मिस यू। पर मम्मी है ना पापा। सो तो है, लेकिन तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। ऑल द बेस्ट पापा। सेम टू यू बेटा। टेक केयर, मिस यू। टेक केयर बेटा, टेक केयर। कैरल, एवरीथिंग इज रेडी? यस सर, एवरीथिंग इज रेडी। मैम से भी बात हो गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। चलो लेट्स गो। सर, शिवानी मैम कैसी हैं? शी इज फाइन। मंडे से ऑफिस जाना शुरू कर दो। उसी दिन मैं भी ऑफिशियल काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। अगर तुम ऑफिस जाओगे तो तुम्हारा अकेला बंद हो जाएगा।
बेटा तुम हमें नहीं बता के जाना चाहते, कोई बात नहीं, कम से कम शिवानी को बता के जाओ ना, कहाँ जा रहे हो तुम? डैड आप तो समझते हैं इन बातों को, हमारे नए असाइनमेंट के तहत हमारा हर मूव कॉन्फिडेंशियल है, घर तो क्या दफ्तर में भी 2-3 सीनियर ऑफिसर्स के अलावा हमारे ठिकाने की खबर किसी को नहीं, वरना डैड पूरी एक्सरसाइज का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो डिफीट हो सकता है, यू नो इट। हम तुझे छोड़ने भी नहीं आ सकते ना। माँ छोड़ना तो दूर की बात, मैंने तो दफ्तर की गाड़ी भी नहीं मंगाई है, आज ऑटो में जा रहा। दर्शन तेरा सामान ऑटो तक छोड़ने तो आ सकता है? अरे माँ तुम तो नाराज हो गई, ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे, कुछ दिनों की बात है, और फिर मेरे पास मेरा सेल है माँ, तुम मुझे जब चाहो फोन कर सकती हो। दफ्तर संभालना है उसे, रसोई थोड़ी ना, लगनी भी तो चाहिए। बेटा तू सिर्फ पोशाक से नहीं, तेरे चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूं मैं, उसे ऐसा लग रहा है तू जैसे हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है। गौरव की गैर हाजिरी में तू हमारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी। रखेगी ना बेटा? ओ बस जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। गौरव अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं। ओ गॉड, तुम भी आज मेरा तुम्हारा साथ सिर्फ दरवाजे तक है, वहां से तुम अपनी कार में और मैं अपने ऑटो में। दर्शन मेरा बैग बाहर ले आओ। ओके डैड। बेटा मैं जानता हूं तू स्पेशल मिशन पे जा रहा है, पर अपना ख्याल रखना हमारे लिए। खाना ठीक वक्त पे और अच्छे से खा लेना, और तू भी हमें फोन करना। अरे माँ हट्टा कट्टा हो गया आऊंगा, आप तीनों को ज्यादा जरूरत है अपनी सेहत का ख्याल रखने, छोड़ने नहीं होगी बात। चलो दोस्तों उस सफर की शुरुआत करते हैं जो तमाम रेल यात्रियों के सफर को हसीन बनाते हैं। ऑफिस में तुम्हारी वापसी के साथ पहले की तरह तुम्हारी जिंदगी में हंसी और खुशी लौट आए। हाय बॉयज। सर सर सर, ओए भोलियो, इस सफर में ना तो कोई सर है और ना कोई पैर, समझे? ओ सॉरी सर। फिर सर देखो सब गड़बड़ हो जाएगी, हम चार कंपनियों के चार टूरिंग सेल्समैन जो एक दूसरे को जानते हैं, और इत्तेफाक से हम सब धनबाद जा रहे हैं, हमारी पहचान किसी को भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। चुपचाप धनबाद जाएंगे और रेलवे गेस्ट हाउस में ठहरने की बजाय आम आदमियों की तरह एक होटल में ठहरेंगे, या फिर शहर से दूर एक कमरे का बंदोबस्त किया है, उसकी चाबी मेरे पास है, वहाँ चल पड़ेंगे। बड़े भाई तो उस कमरे में खाने का क्या इंतजाम है? सिंपल, खुद पकाएंगे और खुद खाएंगे। उस्तेंद्र तू फिक्र ना कर, होटल में रह लेंगे सर, है ना? सॉरी सर। ठीक है जी, मैं मुँह ही नहीं खोलूँगा। अगर भोले मुंह नहीं खोलेगा
तो खाना कौन से मुंह में डालेगा? चलो दोस्तों, उस सफर की शुरुआत करते हैं जो तमाम रेल यात्रियों के सफर को हसीन बना दे। वेलकम बेटा, वेलकम। डैड, आप इस ऑफिस में? भाई इतने अरसे के बाद मेरी बेटी आज ऑफिस आ रही है, क्या हम उसका वेलकम भी नहीं कर सकते? थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल। आई एम रियली ग्लैड टू सी यू बैक मैम। सेम हियर कैरल, और तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, वैसी हो स्मार्ट एंड टिप टॉप। लेकिन आप तो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। Come on, Carol. Stop lying. Yeah. Oh. Please, please. बेटा, मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऑफिस में तुम्हारी वापसी के साथ पहले की तरह तुम्हारी जिंदगी में हंसी और खुशी लौट आए। नहीं बेटा, मुझे वर्ली के ऑफिस में जाना, वहाँ बहुत सारी मीटिंग है, और अब तुम इस ऑफिस को संभालोगे। ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। पापा, आप भी अपना ख्याल रखिए। श्योर, बाय बाय बाय। एक्सक्यूज़ मी मैडम, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरी ये कॉफी पी सकती हैं? क्या? पर मैंने तो देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म है, फ्रेश है, मैंने मैंने छुई भी नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन आई विल पे फॉर दिस, आई विल पे फॉर दिस। ये लीजिए, वो क्या है, मेरा इंटरव्यू है, मुझे फौरन पहुंचना है, आई एम गेटिंग लेट। ओके, अच्छा भागता हूँ, मेरी तो नौकरी भाग जाएगी। चाय या कॉफी भी मिलाए, कल इसे नीचे उतरते ही दिमाग यूं रोशन हो जाए कि आप कॉफी शॉप में फिर कभी बकरा, आई मीन बकरी ना बन पाए। स्वीट एंड ग्रीन, मिठास जो समझदारी दे। टिंग टोंग, thank you.
तुझको जीना है कल फिर उसकी बाहों में, सांसें उसकी चलती तो बस तेरे लिए, रोशन है तेरे नाम से उसके दिए, तेरे लिए मेरे लिए ये गुनगुनाती है मदहोश हवाओं को, कहानी सुनाती है। पानी काम से नहीं जा रहा हूँ, धनबाद ससुराल है मेरा। धनबाद ससुराल है या धनबाद में ससुराल है? एक ही बात है सर। एक ही बात कैसे है जनाब? धनबाद तो कईयों का ससुराल होगा, लेकिन सारा धनबाद उसी का ससुराल होगा जिसका ससुर या तो वहाँ का आईजी है या फिर भाई जी है। हाँ, जिसे देखो वो ट्रक या डंपर खरीद कर कोयले की ढुलाई के काम में लगा देता है। धनबाद में इसी गोरख धंधे की सबसे बड़ी मिसाल है एक शख्स, भाई जी। वैसे मानना पड़ेगा शहर चुन के शादी की है आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की चुनी थी मैंने, शहर तो दहेज में मिला है। धनबाद शहर के तो नाम में ही धन है, जो विदेशी गाड़ियाँ और ऐशो आराम का साजो सामान आपको मुंबई में भी नहीं दिखता वो सब यहाँ आम है। मगर मेरी बीवी के माँ बाप तो हमेशा रोते ही रहते हैं। माफ कीजिएगा, मगर अक्सर दामाद के सामने सास ससुर रोते ही रहते हैं। झूठ मूठ नहीं रोएंगे तो सचमुच रोना पड़ेगा। एक प्यार और एक दामाद में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों को सामने वाले की आंख के आंसू ही पसंद आते हैं। कमाल की बात कही आप, वाकई दिखता है कितना तजुर्बा कमाया है आप, जीवन की गहरी सोच रखती है आपके नजरिए से। सिर्फ तजुर्बा ही कमाया है जनाब, माल वाल नहीं, मेरे जैसे बेवकूफ लोग सिर्फ तजुर्बा ही कमाते हैं। लेकिन आप तो धनबाद के हैं। हाँ, धनबाद से। तो फिर आप कहाँ चुप है? अभी आप ही तो कह रहे थे कि धनबाद में बहुत पैसा है। हाँ वो तो है ही, वहाँ जिसे देखो वो ट्रक या डंपर खरीद कर कोयले की ढुलाई के काम में लगा देता है, किराया भी कमाता है और कोयले की चोरी चकारी से देश को चूना अलग से लगा देता है। धनबाद में इसी गोरख धंधे की सबसे बड़ी मिसाल है एक शख्स, भाई जी। कमाल का नाम है भाई जी। हमारे मुंबई में तो अंडरवर्ल्ड डॉन को भाई कहते हैं,
तो भाई जी भी तो डॉन ही है, कोयले के माफिया का। यूं समझ लीजिए कि वो बेताज बादशाह है धनबाद का। और हाँ, मजे की बात देखिए, रहता वो आपकी मुंबई में ही है। काफी जानकारी है आपको इन सब बात। वैसे पिछले साल जब रिटायर हुआ तब तक जानकारियां ही इकट्ठा करता रहा। लोग कमाते रहे, खर्च करते रहे, और हम इनकम टैक्स की नौकरी में उनके खर्च और कमाई सिर्फ दर्ज करते हैं। और किया ही क्या है हमने। तो वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन। और ये सब आपके साथ हैं? ये तीनों भी सेल्समैन हैं, अलग अलग कंपनीज में। फिर में मिलना जुलना होता है तो जानते हैं उसके। इत्तेफाक से हम चारों धनबाद जा रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए। देखा, मैंने कहा था ना, धनबाद के लोगों के पास कितना पैसा है, कितने सेल्समैन जाते हैं वहाँ अपना सामान बेचने के लिए। लो, लगता है स्टेशन भी आ गया। चलो भाई, बैठे बैठे थक गए, जरा बाहर होके आते हैं स्टेशन पे। फिर हमारे सामान का ध्यान रखिएगा प्लीज। बेटा, ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकती, दरवाजे पर ही रहना, दूर मत जाना। ठीक है। कल दिवाली है और दिवाली के शुभ अवसर पर इंडियन रेलवेज, छाया ध्वनि और हम सफर द ट्रेन की पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। साथ हर राह में, हर मोड़ पर, मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। I'm sorry.